Guys, welcome back to Easy Way for Learning by Amit Rai. Today I'm a guide and friend. Amit Rai is here to discuss with you accounting principles. Ji haan dosto, ye aapki class 11 ke accountancy book ka chapter number 2 hai, jisme aapko bataya gaya hai accounting principles ke bare mein. Kya hote hain accounting principles, kya inka use kya hota hai, unhi principles ki basis taki puri accountancy jo based hoti hai, कोई भी बिजनेस उन्हीं अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स के ऊपर रन करता है. तो उसके ऊपर बिजनेस रन करने का मतलब है बिजनेस में जो आप अकाउंटिंग करोगे, लाइक आप रिकॉर्डिंग करोगे, वो सब वो प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. आपकी रिकॉर्डिंग की कौन सी चीजों को आपको रिकॉर्ड करना है, अगर आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे अकाउंट्स के, तो ही आप जो अकाउंटेंसी जो आपको अच्छे ढंग से आ पाएगा. तो इसलिए अकाउंटेंसी प्रिंसिपल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और इसमें से क्वेश्चन बनते भी एग्जाम के अंदर, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर. क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन से टाइप होते हैं, इसे कैसे क्लासिफाई करोगे आप इसे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार क्वेश्चन पेपर एग्जाम के अंदर. तो इसका मतलब क्या है कि टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस टॉपिक को दूर तक अच्छे से समझ के ध्यान में रखना है आप दिमाग के अंदर अपने, ठीक है. और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको जो है ये वीडियो पूरी समझ आएगी, पूरा टॉपिक समझ आएगा, टॉपिक पूरा क्लियर होगा. तो जरूर देखें लास्ट एंड तक, ठीक है. और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है. वेट किसका कर रहे हैं आप, क्रिसमस जब की जा चुकी है, अगली क्रिसमस आएगी तब करोगे क्या. स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइबर अपने आज के वीडियो अकाउंटिंग कंसेप्ट. जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग कंसेप्ट आज के हमारे वीडियो का टॉपिक, मेन टॉपिक यही है, क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर दो चीजों में क्लासिफाई करने वाला हूं, ठीक है. तो पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, फिर हम इसके आगे इसको हम क्लासिफाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि देखो, आप सभी को पता है या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो अकाउंटिंग होती है वो लैंग्वेज होती है किसका. अकाउंटिंग इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग कहलाती है. लाइक अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कैसे कहलाएगी, आप लोग जो है अगर अपने मुंह से जाके बोलो किसी को, मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है, आपने जो है किसी को जाके बोला भाई मेरा 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने क्या बोला, खाली आपने बोल दिया, वो कैसे विश्वास करेगा. तो आप उसको पूरा रिकॉर्ड करके दिखाओगे ना, रिकॉर्ड आपने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रखा होगा उसको, और उसके बाद आपने क्लासिफाई कर रखा होगा, समराइज कर रखा होगा, तब जाके वो देखेगा. तो इसका मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको देखेगा, तो उससे वो समझ आ जाएगा हाँ सही में 40,000 का प्रॉफिट है. तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि जो अकाउंट है वो एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, वही आपकी बिजनेस के बारे में बताता है कि बिजनेस आपका प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है. तो उसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है. ये तो हमारी मेन बात होगी. अब लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, कन्वेंशन है, इसको हम जो किस नाम से जानते हैं कॉमनली, इसको हम जानते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से. जी हाँ, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, गैप्स पढ़ते हैं इसको, अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है. इस एस का मतलब क्या है, पी तो प्रिंसिपल के लिए आ गया, एस का मतलब है प्रिंसिपल एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो प्रिंसिपल्स इसलिए बोला गया, इसलिए हमने यहाँ पे पी एस लिखा है, ठीक है. और ये होते क्या है, दीज आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स. ये होते क्या है आखिर, अभी मैंने आपको बताया गैप होते हैं. गैप क्या होते हैं आखिर, ये बेसिक रूल होते हैं. और बेसिक रूल किस चीज के बेसिक रूल होते हैं, जो आपको पैरामीटर और कॉन्स्टेंट डिफाइन बताते हैं कि भाई कौन से आपके पैरामीटर है, कि आपको किस लिमिट के अंदर जो है आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है. जी हाँ, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, लिमिट, वो लिमिट जिस लिमिट के अंदर रह के आपको पूरी अकाउंटिंग करनी है अपने बिजनेस की, वो होता है कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब गैप वो क्या बताता है, वो लिमिट बताता है, वो पैरामीटर बताता है जिसके बेस पे आप अकाउंटिंग करोगे, यानी कि पैरामीटर जिसके बेस पे करोगे, कॉन्स्टेंट जिस लिमिट में रह के करोगे, जितनी लिमिट है आपकी उसी लिमिट के अंदर आपको करना है अकाउंटिंग. तो इसका मतलब क्या है, गैप आपको प्रिंसिपल है, बेसिक रूल है, जो कि पैरामीटर और कॉन्स्टेंट बताता है आपकी अकाउंटिंग जिसमें ऑपरेट होने वाली है, ठीक है. अब मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है. हमने ये तो पढ़ लिया कि बिजनेस जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से चलता है,
लेकिन होता क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? तो देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ये वो रूल्स होते हैं एक्शन के, वो रूल्स होते हैं जो अकाउंटेंट्स अकाउंटेंट्स लाइक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये भी अकाउंटेंट और बहुत से अकाउंटेंट किसी भी लेवल के अकाउंटेंट क्या करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेते हैं इन रूल्स को. किससे क्यों एक्सेप्ट करते हैं? वो एक्सेप्ट इसलिए करते हैं कि भाई हमको रिकॉर्ड करना, और कब एक्सेप्ट करते हैं? जब वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन को, उस वक्त उन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए, वो उन प्रिंसिपल्स का दिमाग में रखते हुए उनको, और फिर रिकॉर्ड करते हैं अपनी अपनी ट्रांजेक्शंस को. तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स जिसके बेस पे अकाउंटेंट्स जो है रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, उन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है इन्वेंट्री को जो है इसके लोअर कॉस्ट पे वैल्यू करो, या फिर आप इसके रियलाइजेबल वैल्यू पे ध्यान दो, यानी कि आप या तो इसको कॉस्ट वैल्यू कितनी है कि उसको ऊपर इसको रिकॉर्ड करो अपनी बुक में, या फिर ये कितने में रियलाइज होगा, रियलाइज मतलब कितने में बिक जाएगा फ्यूचर में. हमारा तो असेट है इन्वेंट्री हमारा असेट नहीं है, बट हमारे बिजनेस का एक पार्ट है. ठीक, जिसके लिए हम क्या करते हैं, डील करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तो इन्वेंट्री है वो. ठीक है, इन्वेंट्री क्या होती है, हमारी स्टॉक होता है, इसको हम सेल करते हैं. तो सेल का क्या मतलब है, रियलाइज, यानी जो हमारी इन्वेंट्री कल को बिकेगी तो कितने में बिकेगी, उस प्राइस पर रिकॉर्ड करो, या फिर उस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल ने कहा है कि कॉस्ट पर रिकॉर्ड करो, तो अकाउंटेंट्स क्या करेंगे, कॉस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे. अगर कहा है प्राइस पे रिकॉर्ड करो, रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, तो रियलाइजेबल वैल्यू या प्राइस पे अकाउंटेंट्स उस ट्रांजेक्शन को, उस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे. तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जी हाँ, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको हम आगे भी दो भागों में बांटते हैं. अब आप बोलोगे सर कौन कौन से हैं वो दो भाग, कौन कौन से, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, अगर आप लोग टीएस ग्रीवाल, जी हाँ, अगर आपको टीएस ग्रीवाल नाम की बुक है या कोई भी ऑथर की बुक है तो आपने उसमें जरूर पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा भी आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं. देखो क्या होता है, दो होते हैं हमारे पास. पहला हमारे पास होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एंड सेकेंड हमारे पास आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन. पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट, सेकेंड अकाउंटिंग कन्वेंशन. बट आज की वीडियो में हम सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारा थोड़ा टॉपिक थोड़ा ज्यादा खिंच जाएगा, इसलिए मैंने अकाउंटिंग कन्वेंशन की अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को वहां से समझ आ जाए बहुत इजी तरीके से. ठीक है, आज की वीडियो में खाली हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भाई अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे टॉपिक का नाम मेन नेम, क्योंकि इसी की बात करने वाले हैं अभी. ठीक है, और सबसे मेन भी यही है, इसी के में से आपके क्वेश्चन बनते हैं 4-5 नंबरों के. ठीक है, इसलिए आपको जो है आपको याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक को. ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट आखिर होते क्या है. दीज आर दी बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स. दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. क्या होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, यू बेसिक रूल्स होते हैं या बेसिक अजम्पशंस होती हैं. आपने अज्यूम कर रखा होता है कि हाँ ये ऐसा होगा, कल्पना कर रखी होती है दोस्तों, एक्सपेक्ट कर रखा होता है कि हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हमको कल को ये होता तो हम यहां पहुंच जाएंगे. अजम्पशन है ना अपनी अपनी. जैसे आप लोगों ने सोचा हम भाई अब 11th में हैं, हम 12th में जाते हैं तो हमारी अकाउंटेंसी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. आप लोगों ने सोचा, या फिर क्या अजम्पशन है, आपने मान लो सोचा भाई मैंने अपने 12th के बोर्ड में 81, 82, 91, 95, 96 देख रहा हूं, ऐसे ऐसे मेरे को मार्क्स दिखने को मिले. आपने क्या करा, अजम्पशन करी है ना, ऐसी अकाउंटेंसी में अजम्पशन होती है. हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ ना कुछ कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, अगर ये होगा तो हम यहां पहुंच जाएंगे, ऐसे करके अजम्पशन करते हैं. अब देखो क्या होता है, बेसिक अजम्पशन होती है विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, जिसके अंदर अकाउंटिंग आपकी पूरी ऑपरेट होगी, उन्हीं अजम्पशन के बीच में ऑपरेट होगी, ना उससे बाहर ना उससे अंदर. अंदर ही अंदर जो है
अपडेट होगी अकाउंटिंग जो है उस लिमिट में, मैंने बताया आपको यहाँ पे लिमिट कॉन्स्ट्रेंट, उस लिमिट में अकाउंटिंग ऑपरेट होगी, उन अजम्पशंस की लिमिट में अकाउंटिंग ऑपरेट होगी, ठीक है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये वो रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, अरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें बताती हैं, लाइक प्रॉफिट है लॉस है क्या हो रहा है आपकी बिजनेस में, और वो सारे अकाउंट्स आपको फाइनेंशियल रिलेटेड बताते हैं, ट्रेडिंग है ठीक है, ये सब अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं इसके बेस पे, और ठीक है, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मतलब परचेज करा आपने कहीं से कोई चीज सेल करी उसकी रिकॉर्डिंग तो करोगे ना, उस रिकॉर्डिंग को करने में आप जो कुछ ना कुछ अजम्पशन के बीच में आपको अपने रिकॉर्डिंग करनी है। आपने मान लो करा, आपने सोचा भाई मैंने ये चीज खरीदी है कल को, ये चीज मेरे को उसको, मान लो आपने उधारी पे खरीदा ठीक है, कैट से आपने खरीदा उधार पे, कि मान लो आपने ए पर्सन है, पर्सन ए ने पर्सन बी को हो गया भाई मुझे उधार पे ये सामान चाहिए, चलो मान लो उसने खरीद लिया, दोनों आपस में डील कर लिया उन्होंने, अब ए जो था उसने खरीदा उधार पे सामान, उसको ये दिमाग में रहेगा ना भाई मुझे कल को इसके पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या करेगा उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसका मतलब क्या है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, रिकॉर्ड करने के बाद उसने क्या करा अजम्पशन दी उसकी भाई मेरे को कल को पे करना पड़ेगा, तो ये तो अजम्पशन हो गई उसकी ठीक है, जब वो पे कर देगा या पे मान लो नहीं किया है फिर भी हम उस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ट्रांजेक्शन हुई है उसी वक्त क्या होना चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए, या भाई उसकी पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो लेकिन रिकॉर्ड जरूर करोगे आप लोग ठीक है, या जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड जरूर करेंगे चाहे आपने पेमेंट करी चाहे नहीं करी ठीक है। यही हमारा क्या है अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है, अजम्पशन कहती है। अब इसके हम एक एक करके तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसके तीन ही हमारे पास क्लासिफाई हो सकता है आगे ठीक है, इसके तीन पार्ट्स है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर कंसिस्टेंसी अजम्पशन, फिर एक्रूअल अजम्पशन ठीक है। देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है जिसका मतलब है कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका जो बिजनेस है, हाँ यस आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस जो है आप कंटिन्यूअसली रन करोगे हमेशा फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक, और आपकी कोई इंटेंशन नहीं रहेगी बिजनेस को क्लोज करने की। अब एक बात बताओ, जो ये अपने मुकेश अंबानी जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी, क्या इनका इंटेंशन था पहले कभी भाई हमको कंपनी फ्यूचर बंद करनी है? किसी का इंटेंशन नहीं होता भाई, सब कंपनी ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट कमाने का दूर तक जाना है, मेरे को नंबर वन कंपनी बनकर दिखाना है, कोई ये तो नहीं भाई कोई कंपनी ओपन करेगा ये सोचो ओपन करेगा मुझे कल को क्लोज करनी है कंपनी को, नहीं ना, सब यही सोचो ओपन करेंगे हमको प्रॉफिट चाहिए बहुत लंबे टाइम तक कंपनी चाहिए अपनी। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का यही अजम्पशन होता है अकाउंटेंसी का कि आपका बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलेगा और आपकी कोई इंटेंशन नहीं रहेगी उसको क्लोज करने की ठीक है। ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग का पहला पार्ट था हमारा ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन। फिर बारी आती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। इसमें क्या है, आपने कुछ अजम्पशन कर ली कि आपने अजम्पशन करी कि डेप्रिसिएशन जो है हमको इस मेथड से लगाना है। आप अभी पढ़ोगे आप लोग अभी डेप्रिसिएशन के बारे में भी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि WDV और SLM ये दो मेथड आपके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है, इन दो मेथड डेप्रिसिएशन लगता है। मान लो आपकी कंपनी ने अज्यूम कर लिया मुझे जो है SLM से डेप्रिशिएट करना है अपनी एसेट को, अपनी मशीनरी को अपने, और डेप्रिशिएट कौन सी चीजें होती है जो फिक्स्ड होती हैं ठीक है, जो परमानेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाली है ठीक है, मतलब जिसको आप जिसमें आप डील नहीं करते हो वो चीज क्या होती है फिक्स होती है आपके लिए। लाइक आपका बिजनेस है पेन बेचने का, मतलब पेन प्रोड्यूस होता है पेन बेच देते हो ठीक है, तो पेन के अलावा जितनी भी चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी उसको फिक्स्ड में कंटिन्यू करोगे, फिक्स्ड में बोलोगे हाँ भाई ये फिक्स्ड है
ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रहेगा। फिक्स मतलब मशीनरी, पेन को बनाने मशीनरी लगा होगा, वो मशीनरी आपके लिए क्या है, फिक्स है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मान लो आपने लगाया डेप्रिसिएशन, ठीक है, लगा दिया आपने डेप्रिसिएशन। मान लो आपकी कंपनी ने बोला एसएलएम से लगाएंगे, कोई मेटेरियल लगाना हमको, एसएलएम से आपने लगाया डेप्रिसिएशन, ठीक है, चलो हमने लगा दिया, दो साल बीते, चार साल बीते, अब कंपनी यहां पर ये नहीं कह सकती साल के बीच में कि हम जो है अभी मेथड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अचानक से नहीं बोल सकती है, मतलब कर तो सकते हैं बट अचानक नहीं कर सकती कंपनी, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको जो है पहले रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है, वो रेजोल्यूशन पास करवाएगा तब जाके जो है उसका मेथड चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो एक बार प्रिंसिपल लगा दिया तो वो प्रिंसिपल, वो अजम्पशन आपकी लाइफ टाइम चलनी चाहिए, और अगर आपको इंटेंशन है चेंज करने का, उसको चेंज भी कर सकते हो फ्यूचर में जाके एक रेजोल्यूशन पास करवा के, लेकिन अचानक नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने एक बार चुन लिया सो चुन लिया, वो हमेशा अपनी बुक में उसी हिसाब से आप ट्रांजेक्शन करोगे। लेकिन अगर आपको मन हुआ चेंज करने का, भाई लगा यार इससे लॉस हो रहा है हमको, चेंज कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, तो आपको पहले सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। खैर हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि आपको इतना है भी डिटेल में, आप खाली इतना याद रखो कि क्या है आप इसके अंदर, कि आपने जो एक बार चुन लिया तो चुन लिया, आप लाइफ टाइम इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, जब तक आपको मन ना हो चेंज करने तब तक वो चेंज नहीं कर सकते इसको, और परमिशन लिए बिना चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। परमिशन किसकी, अपने कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स वगैरह के, ठीक है, शेयर होल्डर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आपकी कंपनी के, वो उन सबकी क्या कर सकते हो आप, परमिशन लिए बिना चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बारी आती है एक्रूवल अजम्पशन। एक्रूवल अजम्पशन क्या होती है सर, एक्रूवल अजम्पशन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट में मैंने आपको बहुत बता दी थी वैसे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है, मान लो आपने सामान खरीदा, परचेज करा, उधार में परचेज करा, आपकी टेंशन रहेगी कि मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन आपने आज करी, पेमेंट आप फ्यूचर में कर रहे हो, तो एक्रू आज हुआ है, एक्रू मतलब जो आज अराइज हुआ है, एक्रू हुआ है, ठीक है, यानी कि जो आज ड्यू हुआ है अमाउंट, उस अमाउंट की पेमेंट आप फ्यूचर में कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आज वाली ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक में, ना कि फ्यूचर में जब होगा पेमेंट तब रिकॉर्ड करोगे, मतलब आपने अगर आज सामान खरीदा है तो आज ही रिकॉर्ड करोगे, ये नहीं जब आप पेमेंट कर रहे हो तब रिकॉर्ड करो, तब नहीं करना, जब खरीदा आपने तभी रिकॉर्ड करो, यही कहते हैं एक्रूअल अजम्पशन। यहां पे लिखा भी वैसे, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, मतलब जब आपने वो ट्रांजेक्शन पहली बार करा, भले ही आपने उसके लिए कोई पेमेंट करी हो चाहे ना करी हो, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, हम पेमेंट आपने कर दिया तो रिकॉर्ड करोगे करोगे, लेकिन आपने पहले उधार पे लिया फिर जाके फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद पेमेंट करी, तो ये तो नहीं है कि आपने मान लो आज 13 जनवरी, आपने 13 जनवरी को सामान खरीदा उधार पे और आप पेमेंट कर रहे हो 25 जनवरी को, तो अब क्या करोगे आप, रिकॉर्ड कैसे करोगे, 13 जनवरी को जो आपने सामान खरीदा उसको रिकॉर्ड करोगे, ना कि 25 जनवरी के पेमेंट को, ठीक है, यानी कि जब आपने सामान खरीदा तभी रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में रिकॉर्ड नहीं करना आज के सामान को, ठीक है, जो आपने खरीदा तभी रिकॉर्ड हो, यही हमारा कहता है एक्रूअल अजम्पशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन यानी घंटी को बजाना ना भूले, ठीक है, तब तक देखते रहे इजी वे ऑफ लर्निंग बाय अमित राय को, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करने के बाद देखते रहे, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहे इजी वे ऑफ लर्निंग बाय अमित राय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।